स्टूडेंट्स आप लोगों को आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स यानी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर आपको आज पढ़ाए जाएंगे। आप उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करें और किया करें। देखें फर्स्ट है पी बाई क्यू के रूप में 1.999 का मान जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो है और P और Q पूर्णांक है। इसका जो वैल्यू होगी वो होगी फर्स्ट की C वैल्यू होगी। फर्स्ट का आंसर राइट। नेक्स्ट सेकेंड निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय है? तो परिमेय संख्या है कर्णी 2 प्लस कर्णी 3, कर्णी 2 माइनस कर्णी 3। एक इज द राइट आंसर। थर्ड 125 की घात 1/3 बराबर है। थर्ड का उत्तर आएगा 1/5। कैसे होगा देखो, 125 की घात 1/3 ठीक। तो 125 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 5 × 5 ठीक। तो 5 की घात 3 हो जाएगा। ऊपर से 1/3 पहले से है, 3 और 3 कैंसिल होगा, 5 की घात होगा 1 यानी कि 5। तो ये होगा माइनस लिखा है यहाँ, इसलिए ये हो जाएगा 5 की घात -1 यानी 1/5। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड का ए। फोर कर्णी टू की घात 3 बराबर है। 4 का उत्तर आएगा सी 2 की घात 4। फिर 5 है कि बहुपद 2x की घात 2 धन 7x ऋण 4 का शून्यक है बी 1/2। यदि x प्लस 1 बहुपद 2x स्क्वायर धन के xi गुणनखंड है तो k का मान है सी 7। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c U is equal to होता है C 3ABC 9। दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 5 है तो वे संख्याएं होंगी 1, 15 और 10। कैसे होंगी देखिए, दो संख्याओं का योग 25 बोला है, माना वे संख्याएं होंगी X और Y, तो इसको टोटल करेंगे तो 25 हो गया। फिर लिखा है अंतर तो x माइनस y इज इक्वल टू हो गया 5 ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो प्लस y माइनस y कैंसिल होगा, x प्लस x इज इक्वल टू होगा 2x इज इक्वल टू 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, देन x इज इक्वल टू 30/2 ठीक। 2 और 30 को कैंसिल करेंगे या टेबल पढ़ेंगे तो कितने होगा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। अब एक वैल्यू हमने निकाल ली, दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए फर्स्ट जो है इक्वेशन उसमें पुट करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 25 होगा। x की वैल्यू पुट करेंगे 15 प्लस y इज इक्वल टू 25 ठीक, देन y इज इक्वल टू 25 माइनस 15 ठीक, तो ये आ जाएगा 10 ओके। तो दो वैल्यू हो गई, एक 15 और 10, इसीलिए राइट आंसर होगा a 15 और 10 ठीक। अब 10 बिंदु 0 माइनस 7 स्थित है, ये स्थित है y अक्ष पर, इसलिए y अक्ष पर होगा क्योंकि 0 और 7 x की वैल्यू कितनी है 0 है। देखिए तो x की वैल्यू हो जाएगी c y अक्ष पर। 11 यह वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक 11
वह बिंदु जहां दोनों दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। देखिए दो रेखाएं, एक रेखा वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष को डिनोट करती है, ठीक है। अब देखिए ये एक्स अक्ष है, माइनस एक्स अक्ष, प्लस एक्स, प्लस वाई अक्ष और माइनस वाई, ठीक। तो मूल बिंदु जो है बिल्कुल सेंटर पर होता है जिसके निर्देशांक जीरो जीरो होते हैं। 12 एक पिरामिड के पार्श्व फलक होते हैं त्रिभुजाकार, तो ए इज द राइट आंसर। 13 एक बिंदु की विमाओं की संख्या है जीरो। नेक्स्ट किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5, 3, 7 है तो वह त्रिभुज एक संधिबाहु त्रिभुज होगा। दो आसन्न कोणों का योग बराबर होता है, उत्तर ए 180 अंश। इसके बाद एक त्रिभुज एबीसी में एबी इज इक्वल टू एसी और कोण भी बराबर 50 अंश, तो कोण सी बराबर है 50 अंश के। 17 निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, एफ एस ए। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर संविभाजित होते हैं तो वह आकृति होती है समचतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो परंतु कोई कोण समान ना हो उसे कहते हैं समचतुर्भुज। नेक्स्ट दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों को एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 1:1। नेक्स्ट एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी शीर्ष एक चौथा बिंदु लेकर एक समचतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के बराबर है। नेक्स्ट एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन है 8 सेंटीमीटर। यदि x x+3 x+5 x+7 प्रेक्षण और x+10 का माध्य 9 है तो अंतिम प्रेक्षण का माध्य होगा 10^2/3। 25 एक सिक्के को 100 बार उछालते हैं परिणाम 45 बार चित और 55 बार पट प्राप्त होता है, तो चित आने की प्रायिकता है 0.55। 30 सिक्के को उछाल में कम से कम एक चित आने की प्रायिकता है 7/8, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसके आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर भी है। यहाँ सही विकल्प चुनिए। अब इंपॉर्टेंट और भी वस्तुनिष्ठ है इसको भी देखते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट इनमें से परिमेय संख्या नहीं है, आएगा कर्णी 23। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है धनात्मक संख्या। परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को कहते हैं सांत दशमलव। 2+2 2-2 का मान है 2 आएगा। नेक्स्ट कर्णी 3 का दशमलव प्रसार है असांतानुवर्ती। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है डी धन संख्या होता है, ठीक। अब एक फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका 5 के लिए
फॉर्मूला है a प्लस बी देन a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक, तो ये जो संख्या है दो धन करनी दो और दो ऋण करनी दो, इसमें ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी दो का वर्ग माइनस करनी दो का वर्ग. ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो चार माइनस यहाँ पे करनी दो और दो कैसे नो होने के बाद ये आएगा दो टू बाय टू, ओनली शेष होगा फोर माइनस टू. फोर माइनस टू होता है टू, दो के बराबर, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा दो. इंपॉर्टेंट सही विकल्प चुनिए. एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, पहले का उत्तर है फर्स्ट का डी रैखिक. रैखिक का मतलब होता है जिस बहुपद की घात एक होती है. एक हो, ठीक, तो यह आएगा रैखिक. नेक्स्ट सेकेंड px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बहुपद के शून्यक हैं. शून्यक को हल करने के लिए px इज इक्वल टू 2x प्लस 5. ठीक, शून्यक का अर्थ होता है बराबर शून्य करना, तो बहुपद को शून्य करेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस 5, चिन्ह बदलेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5 बाय 2. इसका सही उत्तर है b माइनस सेकेंड का माइनस 5 बाय 2. देन c थर्ड, यदि px इज इक्वल टू x की घात 3 रेड 4x की घात 2 धन x धन 6 बहुपद के लिए p0 का मान ज्ञात कीजिए. थर्ड का सॉल्यूशन है, देखिए थर्ड px इज इक्वल टू x3 माइनस 4x2 प्लस x प्लस 6. ठीक है, पुट px इज इक्वल टू 0. ओके, तो p 0, 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 माइनस 4x, यहां भी जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 6. ठीक, अब शेष क्या हल होगा, यहां आ जाएगा प्लस 6, तो p 0 की वैल्यू होगी d प्लस 6. नेक्स्ट बहुपद 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 का मान x बराबर 2 पर होगा. इसको भी सॉल्व करेंगे 4 को 5x माइनस 4x 2 प्लस 3. ठीक, x पुट x इज इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 रेस टू 2 प्लस 3. इसको सॉल्व करते हैं आप 10 माइनस आ जाएगा प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3 क्या होता है दैट इज माइनस 3. ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा 4 का डी माइनस 3. नेक्स्ट बहुपद x स्क्वायर धन x माइनस 6 का ही गुणनखंड x माइनस 2 है, तो दूसरा गुणनखंड होगा, दूसरा गुणनखंड होगा x प्लस 3. बहुपद px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 है. अब ये पहचान करना है कि ये कौन सा बहुपद है, तो ये होगा 3x की घात 2 है, जहां घात 2 होगी वहां क्या होगा ये द्विघाती, तो उत्तर सही है c द्विघात बहुपद. एक घात वाले बहुपद को कहते हैं
इंपॉर्टेंट सही विकल्प चुनिए। बिंदु ऋण एक दो किस चतुर्थांश में स्थित है? फर्स्ट का आएगा द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि सेकंड में क्या होता है, एक संख्या जो है माइनस और दूसरी प्लस होती है। ठीक, तो माइनस एक्स पहले और वाई बाद में, तो उत्तर यही है कि माइनस वन है और ये टू। ठीक, तो सेकंड उत्तर सही बी। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? जीरो जीरो, क्योंकि मूल बिंदु एक्स और वाई अक्ष के तो केंद्र बिंदु पर स्थित होता है। तो डी उत्तर सही है इसका। एक बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो इसके निर्देशांक होंगे जीरो और वाई, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो, वाई जो है वो वाई के स्थान पे होगा। ठीक, नेक्स्ट, निर्देशांक चिन्ह माइनस प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है? यानी पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो आपको ये उदाहरण से स्पष्ट है ये होगा दूसरे चतुर्थांश में। ठीक, चतुर्थांश सेकंड, तो उत्तर सही। यदि एक बिंदु का निर्देशांक जीरो माइनस थ्री है तो यह किस अक्ष पर स्थित है? यह होगा वाई अक्ष पर स्थित है। ठीक, माइनस फोर, माइनस फोर किस चतुर्थांश में स्थित है? सिक्स का उत्तर सही होगा सी, तृतीय पर। ठीक, कैसे देखिए, देखिए एक्स अक्ष माइनस एक्स अक्ष, वाई अक्ष माइनस वाई अक्ष। ठीक, अब इसमें पहले अक्ष, पहले चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस प्लस के रूप में होंगी, दूसरे चतुर्थांश में इसको कहते हैं पहला फर्स्ट, दूसरा चतुर्थांश आएगा यहाँ पे माइनस और दूसरा जो है प्लस होगा, तीसरे चतुर्थांश में दोनों संख्याएं माइनस और माइनस के रूप में होंगी, और चतुर्थ में होंगी एक पहली एक्स अक्ष प्लस और दूसरी माइनस होगी। ठीक, इसी से ये चतुर्थांश के सारे जो सवाल हैं ये आ जाएंगे। ठीक, सिक्स, इंपॉर्टेंट है कि भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, पहले का सही उत्तर है सदैव एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा है यदि px बराबर x की घात 3 ऋण 4x स्क्वायर धन x धन 6 बहुपद के लिए p0 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेकंड का सॉल्यूशन है px के स्थान पर रखेंगे p0। ठीक, तो बहुपद px is equal to 0, 3 minus 4, x 0 plus 6. इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 6. इसका सही उत्तर है 6. यदि एक बिंदु के निर्देशांक 0 minus 5 हैं, तो यह किस अक्ष पर स्थित है? देखो बच्चों, आपको ये चतुर्थांश का जो चित्र है आपके सामने प्रदर्शित है, इसमें 0 और माइनस x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? माइनस 5, तो 0 प्लस है और माइनस, इसका मतलब ये होगा तीसरे का जो सही उत्तर है वो y अक्ष पर होगा। अब यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = ax 7 के आलेख पर स्थित है तो a की वैल्यू, a की वैल्यू हल करने के लिए x और y, 4 का सॉल्यूशन है, x की वैल्यू रखेंगे 3 और y की वैल्यू रखेंगे 4। ठीक, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। अब यहाँ पे 4 कैसे आया? देखो 3y, y की वैल्यू रखी 4 हमने और a x की वैल्यू 3 रखी। ठीक, 3 इंटू 4 होगा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, देन 3a 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 होगा 5 इज इक्वल टू 3a, देन a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3, तो इसका सही उत्तर होगा 4 का b 5/3। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r की घात 3।
सही विकल्प चुनिए। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पहला है दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। दूसरा, k का मान ज्ञात कीजिए यदि 4-1 दिए हुए समीकरण 3x + 2y = k का एक हल है। अब देखिए यहाँ पे कि 4 और 1 वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी है 4, y की वैल्यू दी है 1, क्योंकि जो निर्देशांक होते हैं वो x y के अकॉर्डिंग और फॉर्म में होते हैं। तो नया समीकरण है 3x + 2y = k, वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 × x की वैल्यू पुट करेंगे 4 + 2, y की वैल्यू पुट करेंगे 1 = k, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इनटू को पहले सॉल्व करते हैं ठीक है, और फिर प्लस को, तो 3 × 4 = 12 + 2 = k, 12 + 2 = 14 = k, या k = 14, ये आएगा। इसका सही उत्तर होगा 2 का a 14 14। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें दो चर हो x और y। देखिए थर्ड का चर राशियां होती हैं x, y और z, ठीक। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए यहां अचर का भी इस्तेमाल करते हैं। अचर चर होगा a, b और c, तो चर राशि का जो समीकरण आ जाएगा ax + by + c = 0, तो सभी उत्तर सही है। नेक्स्ट पॉइंट, समीकरण 2x + 3y में यदि y = 0 हो तो देखिए y = 0 पुट करना है तो आ जाएगा 2x + 3 × 0 = 6, तो 3 × 0 = 0, then 2x = 6, तो x = क्या आ जाएगा 6/2, तो सही उत्तर होगा 3। यदि बिंदु 3-4 समीकरण 3y = x - 7 क्या लिए परिस्थित है तो a का मान होगा 5/ हीरोन का सूत्र क्या होता है, पहले का उत्तर d होगा s - a s - b s - c का वर्गमूल। तो संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो इसमें आधार होता है और ऊंचाई भी होती है ठीक है। तो यह आएगा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत जब हम बनाते हैं तो आयत कैसे बनाते हैं, देखो इस प्रकार का आयत बनता है, उसमें लंबाई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा होती है। 4 का सही उत्तर है समान, क्योंकि समबाहु से क्लियर है कि समबाहु मतलब समान भुजाओं वाली जो है त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका कर्णी 3/4 भुजा का स्क्वायर। 6 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इनटू ऊंचाई। गोले के आयतन का सूत्र है D is the right answer, 4/3 πr^3 Second, B, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, 2πrh, R त्रिज्या, H ऊंचाई होती है, शंकु के त्रिज्या ऊंचाई होगी। थर्ड का सही उत्तर है L = √h² + r² 4, शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, C 1/3 πr² h। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है 6a² यदि घन की भुजा a है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा c is the right answer 6a² और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या समेशन xi/n का सूत्र होगा, यह कहलाता है माध्य का सूत्र। प्रेक्षण 2, 3, 4, 2, 12, 9, 7, 8, 9, 6, 5 और 2 का बहुलक होगा। 2 का सही उत्तर है 9। 9 क्यों है, देखिए जो 9 है वो कितने बार इस
संख्या में आया है कि 9 और ये 9 जो है वो 3 बार आए हैं, जिसकी आवृत्ति, जिस प्रेक्षण की आवृत्ति बार बार होती है वह उस प्रेक्षण का बहुलक कहलाता है। ठीक, बाकी संख्याएं नहीं। नौ का तो प्रश्न ही नहीं होता। किसी घटना के घटित होने की संभावना के परिणाम को कहते हैं।